ये सब लोग बिल्कुल तैयार, फाइनली इनॉग्रेशन से ठीक पहले टीम एकदम तैयार। देखो मैच हो रहा है ना। हाँ, ये डॉन तो एक ही है बॉस है ना। चलो ये अपनी पूरी टीम, ये देखो टीम में कौन कौन दिख रहा है। हाँ यस, अरे पहले बना रहे। हाँ ये प्रतीक सर, एक्चुअली आज एक सफाई वाला काम आया था तो हमने बोला कि प्रतीक तुम सफाई पहले करोगे, उसके बाद फिर कुर्ते पजामा पहनना। और हाँ इसलिए प्रतीक सर के साथ देख के पहचान जाएंगे कि हम झूठ बोल रहे हैं। हाँ ये मंत्री सर देखो एकदम गजब, बिल्कुल झमाझम हो रहा है यहाँ, सब बिल्कुल बस तैयारी में लगे हुए हैं जबरदस्त जोर शोर के साथ। ये देखो ये अपने विशाल सर आ गए। विशाल सर बोलो हाय। हाँ विशाल सर हेलो ही बोलते हैं, मतलब इतना। ये रौनक मैम आपके, ये दादा आपने राधेश्याम दादा, और ये शुभम भैया। भैया ये पवन भैया आपके, ये हमारे निखिल जी हैं, और ये हमारे विनय सर हैं। सब बिल्कुल तैयारी में लगे हुए हैं आप लोगों के स्वागत के लिए। ये विकास भैया हैं दिल्ली से, स्पेशली सिर्फ इनॉग्रेशन का फंक्शन अटेंड करने आए हैं। अकाउंट्स गुरु पूरी पूरी टीम विद्योदय, सभी को बेस्ट विशेस। एक एक दिन झमाझम ऐसे पढ़ाई करते रहे आप, और सर जो सर जो झमाझम क्लास में करते हैं वो आपकी जिंदगी में हर दिन नई नई खुशियां लेके आए, और आप दिन रात चौधरी प्रोग्रेस करें, पेरेंट्स का नाम रोशन करें, ऐसे दिग्गज मेंटर्स का नाम रोशन करें। बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सर। बिल्कुल मान ही नहीं रहे इंदौरी भाऊ। हाँ इंदौरी भाऊ बिल्कुल, ये मतलब पोहा पार्टी के बिना जीवन अधूरा है इनका। तो लगे हुए हैं सब, पर हम लोग बैठते हैं, ये जो कुर्सियाँ लगी हुई हैं ये हम गरीबों के लिए लगी हुई हैं। हाँ जी ये मालिक हमारी टेलीकॉलिंग टीम है। देखो जरा जल्दी सब लोग हाय बोलो। हाय। हाँ सब ऑल सेट फॉर इनॉग्रेशन, सब इनॉग्रेशन तैयारी के लिए फाइनली तैयार होकर आ गए हैं। हाँ जी ये हमारे तिवारी जी हैं, अकाउंटेंट्स हैं, और ये हमारा इनका कैबिन है। यहाँ पर शुभम भैया बैठते हैं, सारे लेक्चर्स अपलोड करते हैं, और यहाँ पर हमारी जो टाइपिस्ट की टीम है वो भी यहाँ पर ही बैठती है। ये छोटा सा काउंसलिंग रूम है, यहाँ पर ये काउंसलर अनुभव जैन बैठ गए हैं, और पीछे से विशाल सर दिख रहे हैं बढ़िया। और दिस इज वन ऑफ आर काउंसलिंग रूम। इसके बाद एक काउंसलिंग रूम सामने है ये वाला, इसमें भी हम स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं। ये एक और काउंसलिंग रूम है हमारा, बेसिकली काउंसलिंग रूम बोले या मैम का रूम बोलते हैं, मैम ने कब्जा कर लिया इस रूम पर। हाँ जी भैया ये आ रहे हैं हम लेकर आपको अपने, हाँ बिग बॉस के कैबिन में। ये हमारे बिग बॉस का कैबिन है, इनको हमने 4 साल तक कोई कैबिन नहीं दिया था, इसलिए उन्होंने हमको सबको एक छोटे से कैबिन में डाल दिया, और खुद के लिए देखो इतना बड़ा कैबिन बना लिया। ये आयुष विजय वर्गीय जी बिग बॉस अनुभव सर हैं, वहाँ अनुभव सर बैठते हैं, हम लोग सब लोग उनके सामने यहाँ छोटे छोटे सोफों में बैठते हैं। अनुभव सर की चेयर हमने लगा रखी है वहाँ पे, अनुभव सर की बॉस चेयर लग गई है। सो ये आ गए हमारे स्टूडियोस, स्टूडियो नंबर 1, और यहाँ पर हम करते हैं रिकॉर्डिंग मतलब रिकॉर्डिंग कैमरे के थ्रू। फिर उसके बाद हमारी आती है स्टूडियो नंबर 2 की। ये हमारा स्टूडियो नंबर 2 है, और इसमें हम करते हैं लाइव स्ट्रीमिंग, यानी आप लोगों से डायरेक्टली जो आके हम मिलते हैं वो इन्हीं स्टूडियोज के थ्रू मिलते हैं। ये है हमारा स्टूडियो नंबर 3। यस, और यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि मेहुल सर का कमरा है। इधर आओ मेहुल सर, ये मेहुल सर का कमरा है, मेहुल सर ने इस पर कब्जा करके रखा हुआ है। पता है आपको मेहुल सर छोड़ते नहीं इस रूम को, पता नहीं क्या विशेष प्रेम है इनको इस रूम से। कलर कॉम्बिनेशन, हाँ ये कलर कॉम्बिनेशन बोल रहा है, बाकी कुछ और बात है, इसमें कैमरे नहीं लगे। ये मेरा रूम है, जनरली प्राय मैं इसी रूम से अपनी सारी रिकॉर्डिंग करता हूँ, रिकॉर्डिंग मतलब आप लोगों की लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ, और इस स्टूडियो से मैं आप लोगों के सामने रोज आता हूँ। और फाइनली एक और फिफ्थ स्टूडियो, ये स्टूडियो अगेन, ये फिर से स्टूडियो, और अभी हाल फिलहाल लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है, और दो ये वाला स्टूडियो भी सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए है। ये हमारा फैकल्टी रूम है, इसमें हम
हमारे सारे फैकल्टीज बैठते हैं, जो सामने ये वाला जो ये रखा है बस यहाँ पर मुश्किल करने वाली है, सारी बुक्स सब कुछ यहाँ पे आने वाली है, ये फिर से कब्जा ये वाला, दिस इज द फैकल्टी रूम, ये हमारा छोटा सा सर्वर रूम है और आईटी रूम है, यहाँ पर हमारे आईटी टीम का स्थान है, ऐसे बोल सकते बाबा का स्थान बोलते हैं, ऐसे आईटी टीम का स्थान ये है और यहाँ पर सारे हमारे आईटी टीम के और आईटी प्रोफेशनल या इस कैबिन में बैठते हैं। हमारे सारे बच्चे आज वॉलेंटियर्स बनकर आए हैं और ये पूरा आज पोस्ट करेंगे, सारे गेस्ट को यही संभालने वाले हैं आज। हाय गाइस, यस यस, मेरे बहुत प्यारे बच्चों, कैसे एकदम जमा जाओ। एंट्री गेट पर, एंट्री गेट पर स्वागत के लिए गौरव सर तैयार एकदम, बिल्कुल उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है और बस कुछ देर बाद यहाँ पर गेस्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। यस गाइस, ये हमारा एक और क्लासरूम, आप ऐसे बोल सकते हैं ग्राउंड फ्लोर पर जो क्लासरूम नंबर 1 है वो यही है और ये क्लासरूम कुछ ऐसा दिखाई देता है। हाँ जी, ये क्लासरूम प्रोबेबली बैच नंबर 24CA फाउंडेशन के लिए बनाया गया है जो 10th of June से स्टार्ट हो रही है, तो रूम नंबर 3 की हमारे जय भैया हैं, सारे कंपाउंड की सफाई की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर है और क्या जबरदस्त मेहनत करते हैं जय भैया, दिन भर लगे रहते हैं। ये क्लासरूम नंबर 3 है हमारे फर्स्ट फ्लोर का और इसमें प्रायः CA फाउंडेशन और कभी कभी CA इंटरमीडिएट की क्लासेस चलती है। चलिए हम मूव करने जा रहे हैं हमारे क्लासरूम सेक्शंस की तरफ, तो ये पूरा हमारा क्लासरूम सेक्शन है, यहाँ से शुरू होता है और सबसे पहले जूनियर क्लासेस यानी यहाँ पर हम अपने 11th और 12th के बच्चों को पढ़ाते हैं, ये हमारे जूनियर बच्चों की क्लासेस है। ओके, इसके बाद बारी आती है हमारे एक और क्लासरूम की, इसमें भी हम अपने जूनियर बच्चों को पढ़ाते हैं जो 10+2 परसों कर रहे होते हैं। इसके बाद ये हमारा अपग्रेडेशन होता है, हमारी सीढ़ियाँ चलती हैं प्रोफेशनल कोर्स की तरफ, तो चलिए हम प्रोफेशनल कोर्स की तरफ पढ़ते हैं। ये जेल की सलाखें नहीं है, ऑल्दो फॉर सिक्योरिटी रीजन हम लोगों ने लगा रखी है। सो ये हमारे बच्चे अपग्रेड होकर 12th के बाद आते हैं प्रोफेशनल कोर्स के लिए, कॉलेज एंट्रेंस के लिए, और यहाँ से हमारा प्रोफेशनल कोर्स की क्लासेस का शुरुआत होती है। ये हमारा क्लासरूम नंबर 1 है, यहाँ पर बच्चे बदमाशी कर रहे हैं कुछ, ये हमारा पहला क्लासरूम है। चलो बच्चे लोग बाहर बोल दो जल्दी से। आगे बढ़ रहे हैं हम रूम नंबर 2 के लिए और ये हमारा रूम नंबर 2 है, रूम नंबर 2। यहाँ पर CS एग्जीक्यूटिव की क्लासेस चलती हैं जनरली। फाइनली ये आ रहा है हमारा रॉकस्टार रूम जहाँ पर अभी हाल फिलहाल CA फाउंडेशन की क्लासेस चल रही हैं और CA फाउंडेशन के स्टूडेंट्स यहीं पर तैयार हो रहे हैं CA इंटरमीडिएट के लिए अपनी प्रोफेशनल स्टडीज़ के पहले पड़ाव पर, इस रूम में हम लोगों को पढ़ाते हैं और ये रूम लगभग लगभग कुछ 200 से 250 बच्चों की कैपेसिटी का रूम है और इसमें हम लोग बहुत मस्ती भी करते हैं क्योंकि ये रूम एक अलग एनर्जी देता है हम सभी को और सैटरडे को हम हर शाम
हर सैटरडे की शाम को यहाँ पर बहुत सारी मस्ती करते हैं। तो इस प्रकार हमारे अलग अलग रूम्स हैं जहाँ पर हम अपने बच्चों के फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए लगे हुए हैं और पूरी ईमानदारी से पूरी मेहनत के साथ लगे हुए हैं कि उनको हम एक अच्छा कल दे सकें, एक अच्छा आज भी दे सकें, जो पढ़ाई का एक परफेक्ट एनवायरनमेंट हो। और हम बहुत दृढ़ता से बोल सकते हैं कि ये जो क्राइसिस हमने बनाया है ये 100% स्टूडेंट्स को ही फोकस करके बनाया गया है। स्टूडेंट्स की जितनी सुविधाएं यहाँ पर संभव हो सकती हैं वो सारी सुविधाएं यहाँ पर हमने इकट्ठी की है बहुत प्रेम से, बहुत अरमानों के साथ। ये प्रोवाइसेस हमने उन लोगों के लिए बनाया है। आज हम इसका इनॉग्रेशन करवाने जा रहे हैं ऑफिशियली, और कल से वापस से भी जाएंगे, वापस से पूरी मस्ती के साथ पढ़ाई करेंगे और पढ़ाएंगे। आपने बहुत प्रेम से मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विद्योदय आप सभी के लिए। फाइनली हम वापस आ गए अपने रिसेप्शन पर, फ्रंट ऑफिस पर।